हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है मैटर। तो चलिए समझते हैं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज वेट एंड विच कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर देन वन ऑफ अवर सेंसेस। मीन्स क्या है कि मैटर क्या है, मैटर वो सभी सब्सटेंस है या सभी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट या थिंग्स हैं जिसके पास जो कि स्पेस में मतलब जिसकी जो कि जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, या फिर उनके पास वेट या फिर मास है, या फिर उन्हें हमारे एक या एक से अधिक सेंसेस के द्वारा फील किया जा सकता है। अब किसी भी सब्सटेंस के पास अगर स्पेस है, यानी कि मतलब कोई भी जगह कवर कर रही है, वो मैटर होगी। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर उसके पास वेट है तो भी वो मैटर होगी। अगर अगर उसे हमें हमारे सेंसेस के थ्रू फील कर पा रहे हैं तो भी वो मैटर होगी। अब ये सेंसेस क्या है, सेंसेस आपको पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस है, आँख, नाक, कान और स्किन, ये सारे क्या है, हमारे सेंसेस है। इन सेंसेस के थ्रू अगर हम उन्हें सेंस कर पा रहे हैं, या फिर हम उसे फील कर पा रहे हैं, तो ये सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, ये सारे सब्सटेंस हो जाएंगे मैटर। मैटर हमारी अर्थ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज सब्सटेंस और जो चीज है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर ये सारी चीजें मैटर है। मैटर के अंदर एयर और फायर, ये सारी चीजें भी मैटर के अंदर आएगी। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। मैटर को बेसिकली दो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्या कि हम उसे फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर लें, और सेकंड क्या कि हम उसे केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अब फिजिकल और केमिकल आपको नाम से समझ में आ रहा है कि किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है, तो समझ लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो उसकी फिजिकल स्टेट रहती है, यानी कि जो उसकी भौतिक अवस्था रहती है, उस अवस्था के बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। अब उसकी फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है भाई, वो हो सकती है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो ये क्या उसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। तो इसी के बेसिस पे मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, जो कि किसके बेसिस पे हुआ है, जो कि हुआ है केमिकल बेसिस पे। केमिकल बेसिस पे क्या हुआ कि केमिकल क्या है कि केमिकली उसे क्लासिफाई किया गया है। तो केमिकल कंपोजिशन इज बेस्ड ऑन इट, केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट कंपोजिशन मैटर इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन उसके कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। अब उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना बोल सकते हैं, उसके संरचना यानी कि कैसे फॉर्म हुआ है, उसके कंपोजिशन कैसा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। और किस मैटर को कितने टाइप में डिवाइड किया है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, दो टाइप में। फर्स्ट क्या, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड वन क्या, मिक्सचर। हमने कंपोजिशन के बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन किया, और हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को दो टाइप में डिवाइड किया, जो कि फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड है मिक्सचर। अब इस दोनों क्लासिफिकेशन को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले मैटर को क्या किया गया, क्लासिफाई किया फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे हमने किस क्लासिफाई कैसे किया कि हमने उसे सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फिर सॉलिड को भी क्लासिफाई किया गया कैसे, सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में और एमॉर्फस फॉर्म में डिवाइड किया गया। वहीं बात कर ले केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो क्या हुआ, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को सबसे पहले मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया गया। अब ये प्योर सब्सटेंस को भी सब डिवाइड किया गया, तो प्योर सब्सटेंस को पहले किसमें डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस को किया गया एलिमेंट में डिवाइड, उसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड में, मतलब प्योर सब्सटेंस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। और मिक्सचर की बात कर ले, तो मिक्सचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे। और यहाँ पर हमने
किस बेसिस पे किया, यहाँ पे हमने उसके कंपोजिशन के बेसिस पे किया, हम किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया। अब एलिमेंट को, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट को, अभी डिवाइड किया गया तो एलिमेंट को किस किस में डिवाइड किया, फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल, एक और पार्ट में डिवाइड किया गया जिसे हम बोलते हैं मेटालोइड। तो थर्ड क्या है, मेटालोइड। और वहीं कंपाउंड को किस किस बेसिस में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सो बेसिकली ये था पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन। और मैटर क्या होता है, मैटर वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं या सभी सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसके पास वेट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसे हम हमारे सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, मैटर होंगे। सो आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।